बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी नबील अशरफ भाई एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 7 एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर फिजिक्स, सो आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। स्टूडेंट्स, दिस इज द मास स्प्रिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल मास दिखाया गया है और यह हॉरिजॉन्टल मास एक स्मूथ सरफेस पे मूव करता है। यहाँ पे दो स्प्रिंग दिखाए गए हैं, एक्चुअली एक स्प्रिंग के साथ हम सेम इफेक्ट में ले सकते हैं। और इसमें जो है वो बॉडी है अपनी मेन पोजिशन से, जिसकी मेन पोजिशन है दिस वन, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एम, ये इसकी मेन पोजिशन है। और यहाँ पे इसको सपोज हम लिख देते हैं ई वन, ये ई वन इसकी मेन पोजिशन है और दिस इज द ई टू दैट इज इट्स सेकेंड एक्सट्रीम पोजिशन। सो ये अपनी एक्सट्रीम पोजिशन के दरमियान ऑसिलेट करता रहता है। रिसीविंग फोर्स के हवाले से हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में हमारे जो मेन पॉइंट्स होंगे वो उसमें एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से हमने स्पेशली हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के हवाले से कैलकुलेशंस करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वी नो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मीन्स द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। सो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। नेगेटिव साइन शोज दैट दिस रिस्टोरिंग फोर्स, बेसिकली दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर, सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स। So according to Newton's cycle of motion, F is equal to ma. By comparing this equation, ma is equal to minus kx. So a is equal to minus k over m into x. K over m is taken as constant. हम जानते हैं कि जो k है वो basically spring constant है, जो k है वो spring constant है, और उसके साथ जो mass है वो भी constant consider किया जाता है। Mass of the object is not being changed, so it is considered to be constant. So k over m whole factor को अगर हम constant consider कर लें तो minus constant x इसको लिखा जा सकता है। So अगर हम constant को हटाते हैं तो sign of proportionality आएगा, a is directly proportional to the negative x. That is a basic definition of simple harmonic motion. Thus the horizontal mass spring system exhibits simple harmonic motion. Next we have to discuss angular frequency. और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और हमने वहां पे पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल थी, तो ये कुछ इस किस्म की डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। इन ऑर्डर टू डिराइव द रिलेशन ऑफ ओमेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, अभी हमने पढ़ा और लास्ट लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका एक्सेलरेशन माइनस के ओवर एम इनटू एक्स लिखा जा सकता है। अभी हमने इसी टॉपिक में प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, ये इक्वेशन हम जो है वो 7.2 आर्टिकल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इन दो इक्वेशंस का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक्स के साथ एक्स को कैंसिल कर सकते हैं। सो रिमेनिंग हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू द के ओवर एम होल स्क्वायर रूट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड। बाय डेफिनेशन टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब जितने देर में वो एक चक्कर पूरा करता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, उस ड्यूरेशन को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन टाइप करने के लिए ओमेगा इज इक्वल टू द 2 पाई बाय टी, 2 पाई रेडियन फॉर द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी दैट इज रोटेटिंग इन द सर्कल एंड कैपिटल टी इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इट्स टाइम। सो इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो टी इज इक्वल टू द 2 पाई बाय ओमेगा। इस इक्वेशन में हम अगर ओमेगा की वैल्यूज पुट करें, ओमेगा का एक्सप्रेशन पुट करें, तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा टी इज इक्वल टू द 2 पाई ओवर के ओवर एम स्क्वायर रूट। और इसी इक्वेशन को रीअरेंज करने से टाइम पीरियड इज इक्वल टू द एम बाय के स्क्वायर रूट।
So next is the frequency. By definition, frequency basically is the number of cycles or the vibrations in 1 second. And the frequency is inversely related with the time period, means greater the value of the time period, lesser would be the number of cycles passing through a point in 1 second. तो f और t में inversely proportional relationship होता है, जितना t की value ज़्यादा होगी, f की value उतनी कम होगी. So हम इसमें t की values put करेंगे, t हम calculate कर चुके हैं, 2 pi m over k under root, और ये बन जाएगा f is equal to 1 over 2 pi m over k under root. इस equation को rearrange करेंगे, f is equal to 1 over 2 pi k over m under root. ये हमारे पास frequency का expression है. Next we have to discuss the instantaneous displacement. Again हम इस chapter के शुरू में पढ़ चुके हैं, x is equal to x naught sine theta. यहाँ पे basically omega t की जगह हमने लिखा था theta, और उसके बाद हमने लिखा था theta is equal to omega t. So ये हमारे पास equation बन गई, x is equal to x naught omega t. So omega की value k over m square root है इस equation में. अगर हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास टाइम का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, x इक्वल टू x नॉट साइन के ओवर एम इनटू टी. द नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड वी हैव डिराइव दिस रिलेशन इन 7.2 आर्टिकल. वी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. इस इक्वेशन में हम ओमेगा की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, ओमेगा की वैल्यूज को पुट करने के बाद. तो ये बेसिकली के ओवर एम अंडर रूट ओमेगा की वैल्यूज है, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी. इस क्वेश्चन में चूंकि के ओवर एम स्क्वायर रूट में था, लिहाजा इसको हम एक ही स्क्वायर रूट या अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं. और उसके बाद इस क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्स नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स एक्स नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया. इससे नेक्स्ट फेस में क्या होगा कि ऊपर वाला जो एक्स नॉट स्क्वायर था, इसको सपोज हम अलग कर लेते हैं, इसको हमने अलग कर लिया जो हमने हमने ये लिखा, और बाकी क्या बचेगा, बाकी वन ओवर एक्स नॉट स्क्वायर रह जाएगा. अब अगले स्टेप में अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स नॉट स्क्वायर को, वन ओवर एक्स नॉट स्क्वायर को इसके साथ, तो क्या होगा, एक्स ओवर एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा. और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो इसमें क्या होगा, एक्स नॉट स्क्वायर से कट जाएगा, तो बाकी वन बचेगा. तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है, जहां पे ये एक्स नॉट स्क्वेयर इस एक्स नॉट स्क्वेयर से कट जाएगा, और इसके लिए ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वेयर को यहाँ पे स्क्वेयर रूट के बाहर लिखा गया है. सो मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कहाँ पे होती है, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो होती है, मीन्स मीन पोजिशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है. तो ये होता है मीन पोजिशन पे the velocity is maximum. So अगर हम इस equation में ये वाली equation अभी हमने यहाँ पे put की है, और इस equation में अगर हम इसमें x की value 0 put करें, तो 0 square by x not square ये 0 हो जाएगा, 1 minus 0 1 हो जाएगा, और ये जब multiply होगा 1 minus 0 1 होगा, तो 1 को multiply करेंगे, v not is equal to x not over k over m square root. ये हमारे पास maximum velocity का एक्सप्रेशन आ जाएगा. नेक्स्ट द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी उस वक्त पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है. एम्पलीट्यूड मींस ये हमारे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है, एक्स नॉट हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मींस ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होगी. हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन होगी, इसको याद रखिएगा, मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है. सो अगर x की वैल्यू x नॉट, अगेन इसी क्वेश्चन को दोबारा यूज किया, लेकिन इसमें हम x की वैल्यू को हम यहाँ पे x नॉट पुट कर रहे हैं, तो x नॉट स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर 1, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 1 0, सो मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है. एट द एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द मिनिमम वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. We know v is equal to x naught k over m. अभी हमने equation पढ़ी, derive की है, और x naught k over m under root into 1 minus x square over x naught square whole under root. इस equation में अगर देखा जाए तो ये वाला factor जो है x naught, ये वाला factor जो है ये basically v naught के बराबर है, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया इस equation में, ये factor v naught के बराबर है, लिहाजा इसकी जगह हम ये v naught लिख देंगे, और same बाकी portion as it is रहेगा. तो v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर होल
स्क्वायर रूट। तो ये हमारा पास एक्सप्रेशन है रिलेशन बिटवीन दी मैक्सिमम वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।